कैसे निकाल रहा है? पानी तो बॉडी से निकल रहा है। क्या कौन निकाल रहा है? हम ही लोग निकाल रहे हैं। हम लोग अपने निकाल रहे हैं। नगर निगम से कोई नहीं आया? कल झगड़ा कर दिया है। कांग्रेस को मशीन नहीं है। पूरा पूरा आप जैसे अगर महिलाओं से पूछिए, सबसे ये उन लोगों को ज्यादा कष्ट है जब अंदर किचन में रहना है और उसमें पानी है, घर के अंदर भी खाना है, हर साल यही होता है। हर साल कोई उपाय के लिए कोई उपाय नहीं। हर साल यही घर में भी पानी है क्या? आप लोग कह रहे हैं कि कहीं देख के गिर मत जाइएगा। ए छोटू रुको 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 बाबू, देख लेना गड्ढा ना हो। तो देख ही रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल होगा। आप लोग के घर में भी गुस्सा हुआ था क्या? आना जाना निकलना बच्चा अच्छा बीमारी वाली का सारा चांस है। तो कोई आया कि नहीं आया? कोई नहीं, भीतर चला गया तो पानी। अरे अरे भीतर पानी था कितना? हाँ। कितना अंदर तक धीरे धीरे निकला ना ना सब चलिए इधर इधर एक बार सुने ना। आगे जाओ, इन लोग को आगे जाने दीजिए। हम लोग आगे चलो सर, इनको आगे इनको आगे अभी हम लोग आगे चलो आगे जाने दीजिए। ना ज्यादा पूरा घुसने लगा नहीं। चलिए आप लोग और पूरा है। हम बोलिए जाइए ना, जाइए तो जाइए थोड़े घर अंदर में सर पूरा अभी है। चार पांच घर में घुसा हुआ है पूरा का घुसा हुआ। बड़ा हर साल यही रहता है, कोई उपाय नहीं। विधायक जी क्या करते हैं? कोई नहीं, कुछ नहीं। कौन विधायक है यहाँ का? विधायक कौन है? अरविंद सेक्रेटरी कौन है? अभी चेतन लगाइए तो उपेंद्र जी चेतन सिलेंडर तुम आगे हो जाओ ना, आगे थोड़ा फुलवारी में। कोई भी मंत्री अभी तक नगर विकास मंत्री सर को मत करा देना, पकड़ो पकड़ो। पास चप्पल भी नंगे हैं सर, वो जरूर पानी में उतर के।
तेजस्वी जी पानी में उतर चुके हैं। जो समस्या है लोगों का सुना जाए, हर मोहल्ला में खाना पीना सब बंद है, घर में खाना नहीं बन रहा है, पानी निकालने के लिए निकाल नहीं रहा है, सरकार जो है तो इसी तरह से बैठा है। आप पानी में उतर गए, नगर विकास मंत्री दो दिन पहले सीता साहू मेयर है वो आए हुए थे, लेकिन वो पानी में नहीं उतरे थे, लेकिन आप पानी में खुद उतरे। लगातार 14 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ स्थानीय विधायक बीजेपी का है, अभी बीजेपी का खाता नहीं। आपका नगर निगम में जो मेयर है वो बीजेपी की है, हर तरीके से ये लोग सरकार में है, और ये हर एक साल ये और काफी दुविधा रहती है यहाँ। इनसे पूछे, आप आगे आइए, आप आगे। ऐसा कुछ नहीं है, घर में हर समय पानी खुश आ रहा है, उसमें पब्लिक भी तो दोषी है। मुख्यमंत्री को चिंता नहीं है, चिंता केवल उन लोगों की है, बेहाल है, बदहाल है, लोग अपने काम पे नहीं निकल पा रहे, बीमारियों की समस्या बढ़ जाती है, आगे चलते रहिए। है तरह तरह की बीमारियां, जब जल इकट्ठा होता है तो वो कोई कीटनाशक दवा छिड़कने तक नहीं आता है, ये भारी समस्या है, ये भारी समस्या है। लेकिन आप क्या कहेंगे सरकार को? सरकार है नहीं, यही बीजेपी का, नीतीश जी का यही स्मार्ट सिटी है, यही न्यू इंडिया है। तो तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि यही सरकार की स्मार्ट सिटी है, न्यू इंडिया है, ये सरकार पर निशाना है। मैं नाम है मनीष के साथ रूपेंद्र लिया इसका। क्या हालत है, आप खुद पानी में पड़े हैं, आपके पैर बीमारियों का समस्या है, वोट लेते हैं, टैक्स भी यहाँ की जनता देती है, फिर क्यों नहीं आती है? आप देखिए जो काम होना चाहिए, कम से कम 14 साल मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, बीजेपी उसमें लगभग 12-13 साल रही है सरकार में, और यही है विकास, यही है विकास। आप देख सकते हैं स्मार्ट सिटी बनाने की बात है, यही स्मार्ट सिटी है, यही न्यू इंडिया है। और मुख्यमंत्री आप इतने समय से सरकार में भी रहे, क्या ऐसे मोहल्ले का आपको कभी लगा कि इस मोहल्ले में इस तरीके से आपको चलना पड़ेगा? कितना अजीब लगता है कि पटना शहर में है, जो पॉश इलाका है, तो ये स्थिति गोवा में पानी में डूबी है, पानी नहीं निकल रहा है, अधिकारी कोई आया है? बीमारी का भी चांस है, अब मान लीजिए दवा व छिड़का है कि नहीं छिड़का, अगर पानी में निकल रहा है, छिड़काव कम से कम हो जाना चाहिए था, ताकि जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बीमारी है लोगों को, तरह तरह का बीमारियाँ वो ज्यादा है, जो छोटे छोटे बच्चे आप सही कह रहे हैं, 48 घंटा हो जाता है जब आप पानी नहीं निकाल सकते हैं, तो फिर बात अब लॉ एंड ऑर्डर की, सुशासन के विकास की कैसे करते हैं? आईसीयू में कोई अधिकारी अभी तक आ कहा?
नीचे आप देखिएगा, आप नीचे देखिए।